नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभदीप और टेक्निकल मिश्रा जी पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने ही एंड्रॉयड फ़ोन से आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है उसे कैसे प्रोफेशनली डिलीट कर सके, मतलब जो बैकग्राउंड को इरेज कर सके। और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। और शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं इस चैनल को ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पाऊँगा। तो प्लीज़ आप सभी की ये मदद की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पहले प्ले स्टोर पे जाइए, एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसे आपको डाउनलोड करना होगा और उस एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो इसे इंस्टॉल कीजिए। ये 2-3 MB का ही होगा, तो इसका रेटिंग्स भी बहुत अच्छा है, 4.4 का है, 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इसे कैसे काम करता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये ऑप्शन देखिए आपके पास आ गया, हाउ टू यूज़ ट्रैवल शूटिंग, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आस्क शेयर एंड लोड ए फोटो। तो आपको लोड ए फोटो में सिंपली क्लिक करना है, मतलब टच करना है, और आपको जहाँ से भी आपका फ़ोटो लेना है वहाँ से ले लीजिए, चाहे वो गैलरी से हो, एक्सप्लोरर से हो, ड्रॉपबॉक्स से हो, फोटोज शॉट जहाँ से भी। तो मैं गैलरी से एक फ़ोटो को पिक कर लेता हूँ, तो ये वॉलपेपर करके दिखाता हूँ मैं ये फ़ोटो को। तो पहले आपका ये ऑप्शन आ गया, ये क्रॉप टूल आपको पहले ही दिया जाता है क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट को उठाना चाहता है इस फोटो में से, मतलब बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हैं, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड को आप क्रॉप कर लीजिए। तो मैं इसे क्रॉप कर रहा हूँ अभी, जितना हो सके आप उतना क्रॉप कर लीजिए। तो इस कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह से मैं इसे क्रॉप कर लिया। अब जाके आपको क्या करना होगा, डन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये आपका फ़ोटो आ गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट, ऑटो, मैनुअल, रिपेयर, जूम। तो पहले आपको क्या करना होगा, आप ऑटोमेटिक मोड पे चले जाइए और इसका कलर जो थ्रेशोल्ड ऑफ सिमिलर कलर इसे पूरा कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसे आप काम कीजिए, बैकग्राउंड पे कहीं पे भी ला जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए कुछ इस तरह से, और इसका जो सिमिलर कलर है थोड़ा कम कीजिएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा, कुछ इस तरह से ये काम करता है। अब देख सकते हैं कितना आसान है ये, थोड़ा और परफेक्शन के साथ करता हूँ मैं, थोड़ा और भी कम कर देता हूँ। तो आप जितना टाइम देके करेंगे आपका उतना ही फ़ायदा होगा, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं। तो मैं बस ये आपको करके दिखा देता हूँ। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके काम करके आपको दिखाता हूँ। अब देख ही सकते हैं ये लाइव कर रहा हूँ मैं, कोई ट्रिक्स नहीं है इसमें। अब कुछ इस तरह से काम कीजिए, मैक्सिमम जो पोर्शन है अब देख सकते हैं वो डिलीट हो चुका है। अब जिस पोर्शन को आप ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं कर सकते हैं उसे आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जूम कर लीजिए, जूम करके इस मैनुअल मोड को सिलेक्ट कीजिए और आप इसे मैनुअल मोड पे इरेज करना शुरू कर दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितने परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं तो बस डेमो के लिए ये दिखा रहा हूँ, देखिए कितना आसानी से ये काम हो रहा है, बहुत आसानी से ये काम हो रहा है। तो आपके हर एक फ़ोटो पे ये अप्लाई कर सकते हैं। आपके फ़ोटो में जितना ज़्यादा कलर अप्लाई होगा आपका जो मतलब कटिंग होगा उतना टॉप बन जाएगा, क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि ज़्यादा कलर मतलब ज़्यादा वेराइटीज़ को आपको रिमूव करना होगा। तो ये एक इजी टच था दिखाने के लिए, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह से कीजिए, मतलब
अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत हो गया, जैसे कि देखिए हाथ के सामने ये एक्स्ट्रा गया, तो इस बैक की को दबा दीजिए तो वो पोर्शन में काम ऑटोमेटिकली वो पहले स्टेज में आ जाएगा। तो ये दोस्तों अब देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है ये क्रॉप हो गया। अब इसे डन कर लीजिए। डन करने के बाद आप इसे देख सकते हैं कौन कौन जगह पे थोड़ा सा भूल चूक हो गई है। अब फिर से यहाँ पर बैक आके ये वो ठीक कर सकते हैं, वो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये करके एक काम कीजिए, जो एजेस है उसे थोड़ा स्मूथ कर दीजिएगा। मैं इस 5 ग्रेड दे रहा हूँ, मतलब 5 पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए 0 पे ये था, 5 पे ये है। तो इसे आप बस सेव कर लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर ये पोस्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।